सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ी जुग पान। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ी जुग पान। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ी जुग पान। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ी जुग पान। विप्र रूप धरी कपिता गयो माथ नाई पूछत अस भयो को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बन वीरा कठिन भूमि को मल पद रामी कवन हेतु विचरेहु बन स्वामी की तुम तीनि देव महको नर नारायण की तुम दो कोशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन वानी बन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई यहाँ हरि निसि चर बैदेही विप्र फिरही हम खोजत ते आपन चरित कहा हम गाई कहु विप्र निज कथा बुझाई प्रभु पहचान परेउ गही चरना सो सुख उमा जाई नहीं बरना मूर न्याऊ मैं पूछा साई तुम पूछो कस नर की नाई अस कही परेउ चरण अकुलाई निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई तब रघुपति उठाई उर लावा निज लोचन जल सींची जुड़ावा सुनु कपि जिए मानसि जनऊना तै मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। जय सिया राम। आज 35वें दिन का पाठ 51 दिनों के श्री रामचरित मानस पाठ सो द 35th डे ऑफ 51 डे श्री राम चरित मानस पाठ। उम्मीद है आप सभी अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, प्रभु की कृपा ऐसे ही बनी रहे और सब स्वस्थ और सुरक्षित इस विपत्ति से बाहर निकले और इससे सीखे गए अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में सदा सर्वदा के लिए उतार लें और आगे के जनरेशंस को भी पास ऑन करते जाएं। आज का पाठ किष्किंधा कांड अध्याय 4 के दोहा संख्या 4 से आ अध्याय 4 दोहा संख्या 4 इनका योग 8 आज का पाठ 35वां इसका योग 8 हर जगह कहीं ना कहीं तार जुड़ते रहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि सब प्रभु ने सुनिश्चित कर रखा है कब क्या होगा और जताते रहते कि हमारे प्लानिंग से नहीं चल रहे हैं, हम सब उनकी प्लानिंग से चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है भगवान ने हे ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येश्य अर्जुन तिष्ठति रामेण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हम सब एक यंत्र में जोड़े गए कलपुर्जे हैं, यंत्र चल रहा है और हम उसी के साथ साथ आगे भ्रमण कर रहे हैं। सबके हृदय में विशेष रूप से परमात्मा स्थित हैं
और हमारे कर्मों के अनुसार हमें भ्रमण करा रहे हैं इस माया रूपी संसार में। कल के पाठ में बजरंग बली अपने श्री राम से मिले, श्री राम ने उनको गले लगाया और कहा कि तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय। फिर बजरंग बली हनुमान जी महाराज भगवान को सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं, दोनों तरफ की कथा सुनाते हैं और पावक अग्नि को साक्षी करके दोनों की मित्रता दृढ़ कर देते हैं। आज का पाठ वहां से आगे होगा, तो आइए सबसे पहले बजरंग बली महाराज का ध्यान करेंगे। ओम प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागा सही राम सर चाप धर। ओम महावीर विनमो हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना दासो हम को सिंद्र से राम श्या कृष्ण कर्मण हनुमान शत्रु सैन्य नाम हंता वार्ता श्या राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि स्वप्रभा निर्विघ्नं कुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्याविशालाक्षे विद्यावधिरुसते। ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम समापन किया था कल का पाठ दोहा संख्या चार अध्याय चार में चैप्टर फोर कपट नंबर फोर किष्किंधा कांड में उसका उस दोहे का उस कपलेट का रिकैप करते हैं, पुनरावर्तन करते हैं। हनुमान जी वानरराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता सुदृढ़ करते हैं पावक को साक्षी रखकर। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथि अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी कीनि प्रीति कछु बीच न राखा कछि मन राम चरित सब भाखा। कह सुग्रीव नयन भरि भारी मिलि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्री में सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी हम ही देखी दीन उपट डारी। मागा राम तुरत तेही दीना पटोर लाई सोचे अति कीना। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहौ सेवकार जेहि विधि मिलि जान की आय। सखा बचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल सीव कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथि अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी नाथ बाली अरु मैं दो भार प्रीति रही कछु बरनि न जाय मैं सुत माया बीते ही नाम आवासो प्रभु हमरे गाँव अर्ध राति पुर द्वार पुकार बाली रिपुबल सहि न पार दावा बाली देखी सो भागा मैं पुनि गयो बंधु संग लागा गिरिबर गुहा पैठ सो जाय तब बाली मोहि कहा बुझाय परिखिस मोहि एक पखवार नहीं आवो तब जाने सुमार मास दिवस तरह उखरार ये शरीर रुधिर धार तह भार बाली हत सि मोहि मारे आय शिला दे तह चले ऊपर आय अंतिर पुर देखा बिनुसाय देने मोहि राज बरियाय बाली ताहि मार गृह आवा देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा रिपु सम मोहि मार सियति भारी हरि लीन सि सर्व सुवरु नारी ताके भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन मैं फिर बिहाला यहाँ साप बस आवत नाय तदपि सभी तेरह मन माय सुनि सेवक दुख दीन दयाल हर की उठी द्वई भुजा विशाला सुनु सुग्रीव मारि हम बाली ये कही बान ब्रह्म रुद्र शरणागति गए नउगरी प्राण मंगल भवन मंगल हार द्रवं सुदशरथि अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हार उमा सहित जहि जपत पुरार जे न मित्र दुख मोहि दुखार तिनहि बिलोकत पातक भार निज दुख गिरि सम रज करि जान मित्रक दुख रज मेरु समान जिनके असीमति सहज नयाय ते सठ कत हठि करत मिताय उपत निवारि सुपंथ चलावा गुण प्रगटै अब गुनहि दुरावा देत लेत मन संक न धरै बले अनुमान सदा हित करै विपति काल कर सत गुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुण हेहा आगे कह मृदु वचन बनाय पाछे अनहित मन कुटिलाय जाकर चित यहि गति समभाय अस कुमित्र परिहर ही भलाय सेवक सठ रिप कृपन कुनारी कपटी मित्र सूल समचार सखा सोच त्यागहु बल मोर सब विधि घटब काज में तोर कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा बाली महाबल अतिरन धीरा दुंदु व्यस्ति काल देखराय बिनु प्रयास रघुनाथ नहाय देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली पद इन भई परतीति बार बार ना भई पद सीसा प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा उपजा ज्ञान बचन तब बोला नाथ कृपा मन भयउ अलोला सुख संपत्ति परिवार बढ़ाय सब परिहरि करि हम सेवकाय हे सब राम भगति के बाधक कहाँ संत तव पद अवराधक शत्रु मित्र सुख दुख जग माय माया कृत पर मारत नाय बाली परम हित जासु प्रसाद मिले हु राम तुम समन विषाद सपने जहि सन होइ लराय जागे समुझत मन सकुचाय अब प्रभु कृपा कर हुए ही भाति सब तज भजन करउ दिन राति सुनि विराग संयुत कपि बानि बोले बिहसि राम धनु पानि जो कुछ कहे वो सत्य सब सोय सखा बचन मम मृषा न होय नट मर कटैव सब ही न चावत राम फगेश बेद अस गावत लय सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाहु सायक गही हाथा तब रघुपति सुग्रीव पठावा गरज सि जाय निकट बल पावा सुनत बाल क्रोधातुर धावा गही कर चरण नारी समुझावा सुनुपति जी नहीं मिलेऊ सुग्रीवा ते द्वो बंधु तेज बल सीवा कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीति सकही संग्रामा कह बाली सुनु भीरु प्रिया समदर्शी रघुनाथ जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि हो सनाथ
अस कही चला महा अभिमान त्रिन समान सुग्रीव ही जान फिरे उभौ बाली अति दर्जा पुटिका वारि महाधुनि गरजा तब सुग्रीव विकल होई भागा मुष्टि प्रहार वज्र समलागा मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होय मोर यह काला एक रूप तुम भ्राता दो ते भ्रमते नहीं मारे उसो कर परसा सुग्रीव शरीरा तनुभा कुलिस गई सब पीरा मेली कंठ सुमन कै माला पठवा पुनि बल दे विशाला पुनि नाना विधि भई लराई पिटपोट दे कई रघुराई बहु छल बल सुग्रीव कर यहारा भैवानी मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान मंगल भवन अमंगल हार द्रवों सदसिर अजिर बिहार मंगल भवन अमंगल हार उमा सहित जय जपत पुराण पराविकल महिसर के लाग पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आग श्याम गात सिर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए पुनि पुनि चितय चरण चित दीन सुफल जन्म माना प्रभु चीन हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा बोला चितय राम की ओरा धर्म है तू अब तरे हूँ गोसाई मारे हूँ माई ब्याध की नाई मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अब गुन कवल नाथ मोहि मारा अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या समय चार इनही कुदृष्टि बिलो कई जोई ताहि बधे कछु पाप न होई मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान नारी सिखाव करसी न कान मम भुज बल आश्रित तेहि जान मारा चहस अधम अभिमान सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी प्रभु अजहूं मैं पापी अंतकाल गति तोरी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुनत राम अति कोमल बानी बाली शीस पर से उनिज पानी अचल करूं तनु राखहु प्राणो बाली कहा सुनु कृपा निधान जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही जासु नाम बल शंकर काशी देत सबही सम गति अभिनाशी मम लोचन गोचर सोयावा बहुरी की प्रभु अस बनी बनावा सोनेन गोचर जासु गुणित नेति कही श्रुति गावही जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावही मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहे उराकु सरीरही अस कवन सठ हठि काटि सुर तरु बारी करी बबूरही अवनाथ करी करुणा बिलोक देहु जो बर मागम
जही जोनी जन्मों कर्म बसता राम पद अनुरागम यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गई बासुर नर नाथ आपन दास अंगद कीजिए राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल की धतनु त्याग सुमन बाल जिमी कंठ ते गिरत न जाने नाम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुराई राम बाली निजे धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधि विलाप कर तारा छूटे केस न देह संभारा तारा विकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरिनी माया क्षिति जल पावत गगन समीरा पंच रचित अति अधम सरीरा प्रकट सो तनु तब आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा उपजा ज्ञान चरण तब लागी विदेशी परम भगति परमान उमा दारु जोशिति की नाई सब ही नचावत राम गोसाई तब सुग्रीव ही आय सुदीघा मृतक कर्म विधिवत सब की घा राम कहानु जही समझाय राज देव सुग्रीव ही जाय रघुपति चरण नाई करिमाथा चले सकल प्रेरित रघुनाथा लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही सुर नर मुनि सब कह यह रीति स्वार्थ लागि करहि सब प्रीति बालि त्रास व्याकुल दिन राति तन बहु प्रण चिंता जर छाति सोई सुग्रीव कीन्हे कपिराहु अति कृपाल रघुबीर सुभाव जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि काहे न विपति जाल नर परहि पुरी सुग्रीव ही लीन बोलाई बहु प्रकार नृप नीति सिखाई कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा पुर न जाऊ दसि चारि बरीसा गत ग्रीषम वर्षा ऋतु आई रही हो निकट शैल पर छाय अंगद सहित करहु तुम राजू सतत हृदय धरहु मम काजू जब सुग्रीव भवन फिर आए राम प्रवर्षन गिरि पर छाय प्रथम ही देवन गिरि गुहा राके उरुचिर बनाई राम कृपा निधि कछु दिने बास करहिगे आई मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी सुंदर वन कुसुमति अति शोभा गुंजत मधुप निकर मधुलोभा कंद मूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जब ते प्रभु आए देखी मनोहर शैल अनुपा
रहता अनुज सहित सुर भूपा मधुकर खग मृग तनु धरि देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा मंगल रूप भयउ भन तब ते किन निवास रमापति जब ते फटिक सिलाति शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ दो भाई कति अनुज सन कथा अनेका भगति बिरति रिप नीति विवेका वर्षा काल मेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुहाय लक्ष्मण देखु मोर गने नाचत बारिद पेखी गृही बिरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहु देखी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथि अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी घन घमंड नभ गरजत गोरा प्रियाहीन डर पति मन मोरा दामिनी दमक रहन घन माही खल कै प्रीति जथा थिर नाही बरसहि जलद भूमि निराए जथा नवहि बुध विद्या पाए बुध अघात सहि गिर कैसे खल के बचन संत सहजैसे क्षुद्र नदी भरी चली तोराई जस थोर हो धन खली तिराई भूमि परत भाडावर पानी जन जीव ही माया लपटानी समिट समिट जल भरही तलावा जिमि सदगुण सज्जन पहियावा सरिता जल जल निधि महु जाई होई अचल जिमि जीव हरि पाई हरित भूमि तृण संकुली समुझि परही नहि पंथ जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो ही सद ग्रंथ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथि अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय नव पल्लव भय बिठप अनेका साधक मन जस मिले विवेका अर्क जवास पात बिनु भयउ जस सुराज खल उद्यम गयउ खोजत कतउ मिलै नहीं दूरी करै क्रोध जिमि धर्महि दूरी शशि सम्पल्ल सोहमहि कैसी उपकारी कै सम्पति जैसी निशितव घन खद्योत बिराजा जनदम्भिन कर मिला समाजा महावृष्टि चलि फूटि कियारी जिमि सुतंत्र भय बिगिरहि नारी कृषि निरावहि चतुर किसाना जिमि बुध तजहि मोह मदमाना दखियत चक्र बाग खग नाही कलि पाई जिमि धर्म पराही उसर वर्षै तृण नहीं जामा जिमि हरि जन ही उपज न कामा विविध जंतु संकुल वहि भ्राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा जह तह रहे पथिक थकि नाना जिमि इंद्रिय गन उपजे जाना कबहु प्रबल बह मारुति जह तह मेघ बिलाही जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु प्रगट पतंग बिन सही उपजै ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथि अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी वर्षा विगत सरद ऋतु आई लक्ष्मण देखहु परम सुहाई फूले काश सकल महि छाई जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई उदिति अगस्ति पति जल सोषा जिमि लोभहि सोखहि संतोषा सरिता सर निर्मल जल सोहा संत हृदय जस गत मद मोहा रस रस सुख सरित सर पानी ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी जानि सरद ऋतु खज्जन आए पाई समय जिमि सुकृत सुहाय पक्क नरेनु सोह असि धरनी नीति निपुण रिप कै जसि करनी
जल संकोच बिकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धन हीना, बिनु घन निर्मल सोहे अकासा, हरिजन इव परिहरि सब आसा, कहु कहु वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। चले हरषि थज नगर नृप, तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमि चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथि अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकउ बाधा। भूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चातक रटत त्रिषा अति ओही, जिमि सुख लहै न संकर द्रोही। सरदा तपनि सि ससि अपहरई, सत दरस जिमि पातक टरई। देखी इंदु चकोर समुदाई, चित वही जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। भूमि जीव संकुल रहे, गए सरद ऋतु पाई। सदगुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथि अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कही पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीति निमिष महु आनो। कतहु रहौ जौ जीवति होई, तात जतन करी आनौ सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। जहि सायक मारा मैं बाली, तहि सरहतौ मूड कह काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ताकहु उमा की सपने हु कोहा। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करवान। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणासीब। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथि अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इहा पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चर नहीं सिरुनावा, चारु विधि तेहि कहि समुझावा। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन ज्ञान। अब मारुत सुत दूत समूहा, पटबहु जह तह वानर जूहा। कहु पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता। भया रूपीति नीति देख राई, चले सकल चर नहीं सिरुनाई। एही अवसर लक्ष्मण पुरि आए, क्रोध देखी जह तह कपि धाय। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करो पुर छार। व्याकुल नगर देखि तब, आयउ बालि कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथि अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। चरण लाई सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीसि अति भय अकुलाना। सुन हनुमंत संग लय तारा, करि बिनती समझाउ कुमारा।
तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, करी बिनती मंदिर लई आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीस चरन ही सिर नावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही, सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा, पवन तले सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाय, हर्ष चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंस दशरथि अजिर बिहार, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरार, नाहि चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटै राम करहु जौ दाया, विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तब निसि जो जागा, लोभ पास जहि गर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तब रघुपति बोले मुसुकाई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमी भाई, अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कई सुधि पाई, एही विधि होत बत कही आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिसी देखिए किस बरूत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथि अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा, आई राम पद नाव ही माथा, निरखि बदन सब हो ही सना था, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई, हाड़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सब ही समझाय, राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जूत जाहु चहु ओरा, जलक सुता कहु खोजहु जाई, मास दिवस मह आए हुवाई, अवधि बेठी जो बिनु सुधि पाए, आवई बनी सो मोहि मराए, बचन सुनत सब बानर जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथि अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जाम बंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिले दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछेहु सब काहु, मन क्रम वचन सो जतनु विचारेहु, रामचंद्र कर काज संवारेहु, भारु पीठि से ये उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी, तजि माया से ये परलोका, मिटहि सकल भव संभव सोका, देह धरे कर यह भलु भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, सोई गुलाग्य सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, आय सुभाग चरण सिरु लाई, चले हर्ष सुमिरत रघुराई, पाछे पवन तले सिरु लावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सी तहि समुझाए हु, कई बल बिरह बेगि तुम आय हु, हनुमत जलम सुफल करिवाना, चले हृदय धरी कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता,
चले सकल बल खोजत सरिता सर गिरी खो राम काज लीन मन बिसरातन कर छो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदस्य रति अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी कतहु होइ निसिचर से भेटा प्राण ले ही एक एक चपेटा बहु प्रकार गिरि कानन हे रही कोमुनि मिलै ताहि सब घे रही लागि त्रिशाति से अकुलाले मिलै न जल घन गहन भुलाले मल हनुमान कीने अनुमाना मरण चाहत सब बिनु जल पाना चढ़ी गिरी शिखर चहु दिसि देखा भूमि विवर एक कौतुक फेखा चक्र बाक बक हंस उड़ाही बहुतक खग प्रभि सहित ही माही गिरते उतरी पवन सुति आवा सब कहुले सोई विवर देखावा आगे कई हनुमंत लीना पैठे विवर बिलंबु न कीना दीख जाई उपवन बरी सर विकसित बहु कंज मंदिरे करु चिरता बैठी नारी तप पुन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदस्य रति अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय भवन सद हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव जी महाराज की जय राधे श्री कृष्ण जी महाराज की जय बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री सदगुरु भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय समस्त गुरुजनों की जय समस्त देवताओं की समस्त गुरुजनों की जय बोलो भाई सब संतर की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव इसमें दिल का पाठ यही संपन्न होता है। बानर भालू वृक्ष सभी समूह में अलग अलग दिशाओं में चल दिए हैं माता सीता की खोज के लिए। सुग्रीव जो वानरों के राजा हैं उन्होंने सबको एक महीने का समय दिया है और एक महीने में आकर सीता जी की सकुशलता का एक महीने में लौटकर सीता जी की सकुशलता का समाचार सुनाने को कहा है और यह भी कहा है कि अगर कोई बिना समाचार लिए लौटा तो उनके हाथों से मारा जाएगा। तो भय और प्रीति नीति देख राय सब कुछ भय प्रीति और नीति दिखलाकर भेजा गया है और एक विशेष समूह जिसमें हनुमान जी हैं अंगद जी हैं जहाँ मंत जी है नल और नील है और भी कुछ मुख्य वानर है जिनको दक्षिण की तरफ भेजा गया है और उस समूह में से भी भगवान ने हनुमान जी को पास बुलाकर उनको आशीर्वाद दिया है और अपनी मुद्रिका उतार कर दी है और कहा है कि सीता को भली प्रकार से समझाना और सकुशलता का समाचार लेकर जल्दी लौट आना। कृपा निधान जिनके रोम रोम में करोड़ों
ब्रह्मांड सब जानने वाले हैं, लेकिन लीला कर रहे हैं तो प्रकट रूप से नहीं कहते, मुद्रिका दी है। और हनुमान जी इस बात से अत्यंत प्रसन्न हो गए, उनको अत्यंत हर्ष हुआ है कि अब प्रभु के काम के लिए प्रभु ने मुझे चुन लिया। आप सब अपना खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कल किष्किंधा कांड पाठ संपन्न होगा और कल ही सुंदर कांड की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि कल हनुमान जी को जामवंत जी उनके बल का स्मरण कराएंगे। और सुंदर कांड के शुरू होने से पहले यह माना जाता है कि हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया जाए, फिर सुंदर कांड की शुरुआत की जाए। तो प्रभु ने ऐसा ही संयोग बनाया है कि कल ही वह प्रसंग आएगा और किष्किंधा कांड पाठ के बहुत दो या तीन पृष्ठ रह गए, तो हनुमान जी को बल का स्मरण कराया जाएगा और फिर सुंदर कांड में हम प्रविष्ट होंगे। जय सियाराम। आप सब अपना खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। श्री राम राम रामे तिरमे रामे मनोरमे सहस्रणाम तत्तुल्यम राम राम वराह। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम।